Hello students, you are most welcome in JIMT video classes and your class is GPS editor and your subject is international trade and today's topic is ASEAN and BRICS. हमने इनसे जो पहले लेक्चर्स में हैं हमने उन्हें भी डिस्कस किया है कि ये जितने भी आपके इकोनॉमिक रीजनल इंस्टीट्यूशन होते हैं ठीक है. इसी तरह हम यदि बात करें तो जो आपका ASEAN है वो दूसरा आपका क्या है BRICS, ये भी आपके रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं. लेकिन यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं. ब्रिक्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे रशिया आपका अलग हुआ, इंडिया आपका अलग हुआ, इसके अलावा आपका चाइना है बेसिकली वो भी एशिया से ही है, और आपका साउथ अफ्रीका ठीक है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. जो आपका ASEAN की फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इसमें आगे लिखा हुआ है ASEAN इज एन एसोसिएशन ऑफ नेशंस डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज. जो आपका ASEAN बेसिकली बना है वो आपका जो बना है वो जो आपके साउथ एशियन जितने भी आपके कंट्रीज है उनमें की गई इकोनॉमिक और जो आपकी पॉलिटिकल कोऑपरेशन है उसके ऊपर इसमें ज्यादा फोकस दिया गया है ठीक है. जो आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आपके एरियाज हैं उनके ऊपर इसमें ज्यादा फोकस दिया गया है. आगे है कि ASEAN वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक. जो आपका ASEAN है वो एस्टेब्लिश हुआ है आपका 8 अगस्त 1967 ठीक है, इन बैंकॉक थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ ASEAN डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन बाय द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ASEAN ठीक है. तो 8 अगस्त 1967 को ये बेसिकली स्टैब्लिश हुआ बैंकॉक और थाईलैंड ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर मेंबर्स हैं, यदि हम ASEAN की बात करें कि भाई ASEAN के अंदर कितने मेंबर्स हैं, इसमें आपका इंडोनेशिया है, इसमें आपका फिलीपींस है, इसमें आपका मलेशिया है, इसमें आपका सिंगापुर है और इसमें आपका थाईलैंड है ठीक है. इसमें ये सारे आपके कंट्रीज है, कौन कौन से आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड और आपका ब्रुनेई ठीक है. इन ये जो कंट्रीज है इन्होंने इसे ज्वाइन किया है 7 जनवरी 1984 ठीक है. इन्होंने इसे जो ज्वाइन किया है वो 7 जुलाई 1984 ठीक है. वियतनाम जो है वो आपको 28 जुलाई 1955 में इसमें ऐड हुआ. इसके अलावा लाओ जो है लाओ पीडिया एंड म्यांमार ऑन 23 जुलाई 1997 ये आपके इसमें पार्टिसिपेशन लिया 23 जुलाई 1997. उसके बाद है आपका कंबोडिया ऑन 30 अप्रैल 1999 कंबोडिया इसमें जुड़ा 1999. तो आज के डेट में यदि हम ASEAN की बात करें तो उसमें आपके ये इतने सारे जो मेंबर्स हैं वो ASEAN के अंदर आपके इन्वॉल्व है. मेन फोकस क्या है ASEAN का कि भाई जितने भी कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस कर. अब आगे बात आती है कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ASEAN ठीक है. जो आपका ASEAN है ठीक है उसके आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला ऑब्जेक्टिव्स है टू एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन थ्रू जॉइंट एवेंचर्स ठीक है. पहला मेन क्या है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो जितने भी मेंबर कंट्रीज है, सोशल प्रोग्रेस हो, इसके अलावा आपकी कल्चरल डेवलपमेंट हो, तो ये सारे एक तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव हैं जो आपका ASEAN है. इसके बाद सेकंड है आपका टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अवॉइडिंग रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ ठीक है. इसमें एक क्या है कि भाई हम जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं हमने आपस में पीस बनी रहे, रेस्पेक्ट हो, जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग है हम आपस में वहां पर वर्क करें. इसके अलावा टू एनकरेज एक्टिव कोलोबरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स.
कि ये जितने भी आपके फील्ड्स हैं इन सबके ऊपर भी हम कॉमनली कंबाइनली वहां पर वर्क करके चलेंगे। इसके अलावा टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च फैसिलिटी एजुकेशनल प्रोफेशनल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। इसके साथ के साथ कि भाई टेक्निकली हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, एजुकेशनल और जो हमारा प्रोफेशनल सिस्टम है ठीक है हम उसे किस तरीके से ज्यादा इम्प्रूव कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया उसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सके, तो उन सब के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रेड द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एट द राइजिंग ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ नेशन। इसके अलावा कि भाई जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है ठीक है उसमें कोई डिस्प्यूट हो या प्रॉब्लम हो उसे आप उसमें बैठ के सॉल्व करना, साथ के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन और आपके कम्युनिकेशन एरियाज हैं उन पे ज्यादा फोकस करना और जो हमारे पीपल्स हैं उनका स्टैंडर्ड जो है उसे इम्प्रूव करना। इसके अलावा टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडी मीन्स जो साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज है या कल्चर है या जो भी आपके सोशल रिफॉर्म है उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। नेक्स्ट है टू मेंटेन क्लोज एंड पॉजिटिव कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस। इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो हमारे अदर रीजनल इंस्टीट्यूशन है या जो हमारे अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं तो उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑपरेशन बने जिससे कि क्या जो है हम उनके साथ मिलकर वहां पर काम कर सके, उनके साथ जो है हम अच्छा कोऑर्डिनेशन वहां पर बना के चल सके। अब इसके बाद आगे आता है आपका नेक्स्ट जो आएगा वो है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है बेसिकली जो ब्रिक्स है एक इमर्जिंग इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स उभरती हुई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है उनका एक ग्रुप है ठीक है। इस ग्रुप के अंदर यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स के अंदर जैसे आपका बी है ठीक है बी मीन्स आपका क्या हो गया ब्राजील, आर मीन्स क्या हो गया आपका रशिया, आई मीन्स क्या हो गया आपका इंडिया, सी मीन्स आपका क्या हो गया चाइना और एस मीन्स क्या हो गया साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका ठीक है। तो इसमें ब्रिक्स के अंदर फाइव कंट्रीज हैं, ये भी एक कॉमन एक ग्रुप बनाया गया है ठीक है जिसका भी मेन फोकस क्या होता है इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ध्यान देना ठीक है पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में ध्यान देना कोई आपसे डिस्प्यूट्स है उसे रिमूव करना और साथ के साथ जो है जो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल्स है उन्हें वहां पर जो है और इंक्रीज करना। अब इसमें बात आती है पहला है ब्रिक्स लीडर्स समिट इज कन्वेंट एनुअली, जो ब्रिक्स लीडर्स की समिट होती है वो आपकी एनुअली होती है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका दूसरी कंट्री का जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर है तो वो उसमें समिट में जाएगा, प्रेसिडेंट है तो वो समिट में वहां पर जाएगा ठीक है। आगे है स्ट्रक्चर क्या है ब्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज एन एनुअल समिट बिटवीन द सुप्रीम लीडर ऑफ फाइव नेशंस। यदि हम बात करें तो ये कोई एक लीगली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट जो पांच आपके कंट्री मेंबर्स है उनके बीच में एक एनुअली आपकी मीटिंग होती है। द चेयरपर्सन ऑफ फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स विद एक्रोनियम BRICS। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो चेयरपर्सन होता है वो आपका चेंज होता है। भाई जैसे आज की बात करें 2021 में सपोज करो ब्राजील ठीक है 2022 में रशिया 2023 में इंडिया 2024 में चाइना और 2025 में आपका अफ्रीका। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्रिक्स कॉर्पोरेशन इन द पास्ट डिकेड्स हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एन एनुअल प्रोग्राम ऑफ ओवर 100 सेक्टोरल मीटिंग्स ठीक है। अब तक जो है यदि हम बात करें इसमें अराउंड 100 के लगभग मीटिंग्स आपकी हो चुकी है ठीक है। तो वो उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी होती है, डिफेंस मिनिस्टर लेवल पर भी होती है, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उनके लेवल पर भी ये मीटिंग्स आपकी होती है। साइड एंड फ्यूचर की बात करें तो जो आपके ब्रिक्स कंट्रीज है इसमें क्या है कि जितनी ऑल ओवर पॉपुलेशन है उसका 40% जो पॉपुलेशन है वो इन ब्रिक्स
किया और जितने भी आपकी जीडीपी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें इनका जो है कितना आपका 30% उनका इसमें योगदान है। अब आगे बात आती है कि भाई जो आपका ब्रिक्स है उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव। अब यदि हम ब्रिक्स के नॉर्मली ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ब्रिक्स के आपके नॉर्मली ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो भी मेंबर कंट्रीज हैं ठीक है उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करना, आपस में कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को रिमूव करना, साथ के साथ कोई भी अदर प्रॉब्लम्स हैं ठीक है उन्हें रिमूव करके चलना, और साथ के साथ कि हम किस तरीके से हम जो फाइव कंट्रीज हैं अपनी इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, हम किस तरीके से जो हमारी जो पीपल्स हैं उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है उनसे इम्प्रूव करें।